नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वरिंदर शर्मा एस चंद के यूट्यूब चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। आज मैं आपके सामने टॉपिक नंबर 30 की शुरुआत करने जा रहा हूं। जो टॉपिक नंबर 30 है हमारा रहेगा महाजनी बट्टा अर्थात बैंकर्स डिस्काउंट। ये टॉपिक आपका पूर्णतः डिपेंड होगा मिति कांटे पर आधारित। जैसा कि हमने मिति कांटा वाला किया था, ये टॉपिक भी आपका सेम है। इस टॉपिक में साधारण ब्याज के स्थान पर आपको महाजनी बट्टा लिखा मिलेगा। तो हमें पहले तो ये समझना है कि महाजनी बट्टा क्या होता है और इस टॉपिक के लिए मेन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या क्या है। तो आइए समझते हैं वन बाई वन करके। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, तो एक एग्जाम्पल देखें। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदनी है। अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदनी है, उसको अगर 10 रुपए ब्याज देना पड़ा। हम मान लेते हैं कि ब्याज है 10%, 100 रुपए का माल है, 10 रुपए व्यक्ति ने ब्याज के जोड़ दिए, तो दुकानदार उस व्यक्ति से एग्रीमेंट कर लेता है कि आपको एक साल बाद जो देय राशि बनेगी वो 110 रुपए बनेगी। तो व्यक्ति कहता है मैं पैसा आपको एक साल बाद ही दूंगा 110 रुपए, और वो एक बिल तैयार करा लेता है और उस बिल पर साइन करा लेता है। पहली बात, इस बिल को देखिए हुंडी कहा जाता है। इस देय राशि को आप हुंडी भी कह सकते हैं। तो हुंडी एक प्रकार का बिल होता है जिस बिल पर एग्रीमेंट कराया जाता है। इसमें 3 दिन आपके रियायत के होते हैं। पूरा एक साल कंप्लीट होने के बाद 3 दिन और एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। जैसा कि 1 जनवरी को पैसा लिया, तो अगले साल 1 जनवरी तक पूरे एक साल हो जाएंगे और उसके बाद 3 दिन व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो याद रखना आपको सभी, ये जो बिल होता है इसमें पूरा एक साल और 3 दिन आपके रियायत के मिल जाते हैं। अब दुकानदार को अगर 110 रुपए, चलो दुकानदार ने अपना माल बेच दिया और दुकानदार के पास जो पैसा आना है वो एक साल के बाद आना है, परंतु दुकानदार को अगर कभी भी जरूरत पड़ जाती है बीच में कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो वो व्यक्ति दुकानदार किसी महाजन के पास जाता है अपना ये बिल लेकर और कहता है इस बिल की एवज में आप मुझको पैसे दो। पर महाजन कहता है जब तक मुझको फायदा नहीं मिलेगा तब तक मैं पैसे आपको क्यों दूं। तो महाजन देखिए जो एग्रीमेंट हो जाता है हुंडी पे यानी बिल पर, उस पे कहता है चलो मैं आपको 10% आपको बट्टा देना पड़ेगा। तो महाजन का जो डिस्काउंट है 10% है, अगर इसका 10% करेंगे 11 रुपए, तो 99 रुपए वो दुकानदार को दे देता है। इसका अगर आप 10% करेंगे तो 11 रुपए, तो दुकानदार को उसने 99 रुपीज पे कर दिए। तो पहली बात, इसी डिस्काउंट को आप महाजनी बट्टा बोलेंगे। महाजनी बट्टा होता है, हमेशा याद रखना, देय धन पर निकाला गया ब्याज। ये पॉइंट आपके लिए मेन है। दूसरी बात, अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो महाजनी जो लाभ होता है, महाजन का जो लाभ होता है वो होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति कांटा। अगला पॉइंट हमें यह याद रखना है कि महाजन का जो लाभ होता है वो होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति कांटा। तो हमने इस टाइप में देखिए ये सीखा है, अगर हमको कभी भी महाजनी बट्टा निकालना हो, अगर हमको कभी भी महाजनी बट्टा निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा देय धन मल्टीप्लाई करेंगे दर से, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे समय से, और आपको करना है 100 से डिवाइड। तो महाजनी बट्टा होता है देय धन गुना दर गुना समय, और उसको डिवाइड करेंगे आप 100 से। एक फॉर्मूला हमें और याद रखना है, अगर आपको देय धन निकालना हो तो वो होता है महाजनी बट्टा गुना मिति कांटा अपॉन महाजनी बट्टा माइनस मिति कांटा। तो ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में मिति कांटा, कोई बात नहीं, मिति कांटा आप ले सकते हैं। तो आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वहां पे साधारण ब्याज था, केवल इस टॉपिक में साधारण ब्याज के स्थान पर आपका महाजनी बट्टा आता है। ऊपर महाजनी बट्टा गुना मिति कांटा, नीचे आएगा महाजनी बट्टा माइनस मिति कांटा, या मिति बट्टा भी बोल सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी सरल अंकगणित की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर।
दो साल बाद दे 1850 रुपए का महाजनी बट्टा कितना होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। अब हमसे देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है महाजनी बट्टा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाजनी जो बट्टा होता है वो हमेशा देय धन पर निकाला जाता है, तो हम इसका फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, महाजनी बट्टा बराबर होता है देय धन मल्टीप्लाई करेंगे आप दर से, उसके बाद समय, और उसको आपको डिवाइड करना है 100 से। तो देय धन हमारे पास है 1850 रुपए, सीधा साफ साफ लिखा हुआ है दो साल बाद दे, तो महाजनी बट्टा देय धन पर निकाला जाता है। 1850, दर हमारे पास है 8 और समय इस क्वेश्चन में दिया है 2 साल, अपॉन करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 × 3 = 15, 37, 37 की 8 से अगर आप गुना करेंगे 8 × 7 = 56 और 24 × 4 = 28, 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24 और 5 = 29, तो ये हमारा बनेगा 296 रुपये। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, कुछ समय बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा और मिति काटा आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है वो धन कितना है, दे धन कितना है। जैसा कि आज मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में आपको एक फॉर्मूला लिखा था, अगर कहीं पे भी महाजनी बट्टा और आपका मिति काटा दिया हो तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे आप दोनों का अंतर कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देय धन का पता चलेगा। देखिए देय धन, देय धन होता है हमारा महाजनी बट्टा गुना मिति काटा और नीचे हमको अंतर करना है, अंतर करेंगे महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा, तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, ऊपर हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको दोनों को माइनस करना है। अब क्वेश्चन में महाजनी बट्टा देखिए दिया हुआ है 720 रुपए, मिति काटा दिया हुआ है आपका 600 रुपए और नीचे हम सभी को करना है अंतर 720 माइनस 600, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 720 मल्टीप्लाई करेंगे 600 और नीचे अगर आप इन दोनों का अंतर करते हैं 120 बनेगा, 120 से ये डिवाइड होगा 6 बार, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा 3600 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर समय बराबर है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर समय डिफरेंट आ जाए एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में तो आप पहले टाइम बराबर करेंगे, जैसा कि अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ समय बाद, तो दोनों का देखिए समय जो आ रहा है क्वेश्चन में सेम है, जब क्वेश्चन सेम है तो देय धन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई नीचे दोनों का अंतर। नेक्स्ट, 4 महीने बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा और मिति काटा, देखिए मिति काटा आपको दिया गया है, मिति काटा आपको दिया गया है 500 रुपए और महाजनी बट्टा दिया हुआ है 515 रुपए, महाजनी बट्टा हमें दिया गया है 515 रुपए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर कितनी है, अब देखिए इन दोनों का जो अंतर आता है, दोनों में जो गैप आ रहा है वो 15 रुपए का है, तो ये जो 15 रुपए बड़े हैं महाजनी बट्टा पे, हमें ध्यान रखना है कि जो इनका अंतर होगा, जो भी इन दोनों का अंतर होगा वो मिति काटे का ब्याज होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, जो भी दोनों का अंतर होगा वो आपको निकालना है मिति काटे का ब्याज, तो दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 15 रुपए का डिफरेंस है, 15 रुपए ब्याज मिलता है 500 रुपए पर, ये जो ब्याज है हमारा मिति काटे पर है 500 रुपए पर, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे आप 100 से, 20 से 20 खत्म, ये आएगा 3%। आपसे पूछा जा रहा है वार्षिक दर बताइए, अब ये जो रेट आपका आया है आपको समय भी ध्यान से देखना है, ये जो आपका रेट बना है वो 4 महीने का है, अगर 4 महीने का जो ब्याज आपको मिलता है 3% तो आपको साल में बदलना है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर 4 महीने का जो ब्याज है वो 3% है तो 1 साल का अगर चाहिए तो 3 गुना आप करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 9%, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप में आपने क्या जाना कि महाजनी बट्टा और मिति काटा अगर आपके पास है तो
दोनों का जो अंतर होता है 15 रुपए। ये जो 15 रुपए का अंतर आता है ये मिति काटे का ही ब्याज होता है, क्योंकि महाजनी बट्टा जो होता है ब्याज का भी ब्याज। तो हमारा दोनों का जो गैप आ रहा है वो ब्याज आपका मिलेगा मिति काटे पे, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, तो आंसर हमारा 3%। पर ये 3% जो ब्याज है वो 4 महीने का है, हमें चाहिए पूरी साल का रेट। 3 गुना करेंगे, इसका भी 3 गुना करेंगे आप। नेक्स्ट, 1.5 साल बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा आपको दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइमिंग अलग अलग दी हुई है। एक तो दिया हुआ है आपको 1.5 साल का, 1.5 साल का महाजनी बट्टा आपके पास है, और 2 साल का मिति काटा आपके पास है 400 रुपए। पूछा जा रहा है ब्याज की दर कितनी है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में टाइम बराबर करना है। टाइम बराबर कैसे करते हैं देखो, 1.5 साल का अगर आपको महाजनी बट्टा 360 रुपए मिला, तो 1 साल का मिलेगा 360/1.5। ये 1 साल का ब्याज बनेगा, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 से 2 बार 4 बार 10। अगर 1 साल का आपका जो ब्याज आता है वो 240 आता है, तो 2 साल का अगर महाजनी बट्टा पता करना है 2 साल का, तो 480 रुपए आएगा। अब 2 साल का मिति काटा हमारे पास है, तो मिति काटा दिया हुआ है 400 रुपए और महाजनी बट्टा दिया हुआ है 480 रुपए। मिति काटा आपका 400 रुपए और महाजनी बट्टा दिया हुआ है 400 रुपए। जैसा कि मैंने आज आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया है कि आपका इन दोनों का जो गैप होता है, वो अंतर जो ब्याज का होता है, वो मिति काटे का ब्याज होता है। ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पे देखिए जो अंतर आ रहा है वो 80 रुपए का है, तो ये 80 रुपए का जो अंतर आएगा वो मिति काटे का ब्याज होता है। परसेंटेज के लिए हमको गुना करनी है 100 से, 20 से 20, तो ये जो रेट आया आपका 20% बना। अब ये 20% जो रेट बना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को 2 साल पे किया है, तो ये जो रेट आपका बनेगा वो 2 साल का ब्याज है। तो 2 साल का अगर आपको ब्याज मिले 20%, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वार्षिक बताओ, लिखा हुआ है वार्षिक, वार्षिक होता है 1 साल का। अगर 2 साल का 20% ब्याज बनता है तो 1 साल का ब्याज बनेगा 10%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इस टाइप में आपने देखा, एक 1.5 साल का पे दिया हुआ है और एक 2 साल पे दिया हुआ है। या तो दोनों को 1.5 साल पे ले आइए, या दोनों को आप 2 साल पे ले आइए। तो मैं चलो 2 साल पे ले आता हूं। अगर 1.5 साल का 360 है, अगर 1.5 साल का ब्याज 360 है, तो 1 साल का 240, 2 साल का 480, 480 हो गया मिति काटा। तो दोनों का जो अंतर, आप एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ये जो अंतर होता है दोनों का, ये मिति काटे का ब्याज होता है। तो दोनों में जो डिफरेंस आपका बना है 80 रुपए का, ये मिति काटे का ब्याज है। परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 साल का ब्याज हमें निकालना, 1 साल के लिए रेट को आप आधा करें। 9 महीने बाद दे किसी धन पर 8% वार्षिक दर से मिति काटा 300 रुपए है, तो इस धन पर महाजनी बट्टा बताइए। देखिए महाजनी बट्टा जो निकलता है वो देय धन पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें देय धन यहां पता करना है। ये जो रेट आपको दिया गया है वो दिया गया है 9 महीने का, तो 8% जो रेट है वो 12 महीने का है। अगर पूरे रेट को मैं 12 महीने से डिवाइड कराऊं तो 1 महीने का रेट आपका बनेगा। हमारा जो रेट 8% है वो पूरे 12 महीने का है, और हमें जो रेट चाहिए वो 9 महीने का चाहिए। 3 से 3 बार और 4 बार 2 बार, 3×2=6% आपका ब्याज बनेगा। पहले तो जो रेट है उसको आपको लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका रेट दिया हुआ है इधर वार्षिक है और पूछ रहा है 9 महीने का हिसाब पूछ रहा है। तो 8% जो रेट आया वो पूरे 12 महीने का आया। अगर 8% को 12 से डिवाइड कराएंगे तो 1 महीने का, और जितने भी महीने का पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई आप करेंगे। यदि चलो हम तत्काल धन 100 रुपए मान लेते हैं, हमारा जो ब्याज है वो 6 रुपए है, और ब्याज को क्या बोला जाता है, मिति काटा। मिति काटा हम मान लेते हैं 6 रुपए, तो देय धन हमारा जो बनेगा वो 106 रुपए बनेगा। अब क्वेश्चन में देखिए मिति काटा आपको दिया गया 300, मिति काटा क्वेश्चन में 6 की वैल्यू आपकी 300 बनेगी, एक हिस्सा हमारा 50 बनेगा, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देय धन, क्योंकि हमें महाजनी बट्टा निकालना देय धन पर, तो 50 की अगर आप इसके गुना करते हो तो ये बनेगा 5300 रुपए, क्योंकि इसमें 106 हिस्से और 106 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5300। अब क्वेश्चन में आपसे महाजनी बट्टा पूछ रहा है, तो महाजनी बट्टा जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है देय धन पर, देय धन हमारे पास है 5300,
और ब्याज हमको मिला है 6%, 5300 का यदि 6% आप करते हैं, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, तो इस सवाल का जो राइट आंसर निकल का आएगा वो निकल का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 8 महीने बाद दे किसी धन का महाजनी बट्टा और मिति काटा आपको दिया गया है। पूछा जा रहा है दे धन और दर प्रतिशत बताइए। दे धन का फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बनता है, दे धन हमारा होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा, महाजनी बट्टा गुना मिति काटा और नीचे होगा माइनस महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा। तो दे धन आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि अगर आपके पास महाजनी बट्टा और मिति काटा दोनों है तो उससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोनों आपको दिए हुए हैं 1300 गुना 1200, नीचे दोनों में अंतर करेंगे 1300 माइनस 1200, तो 1300 गुना 1200 नीचे आएगा आपका 100, 20 से 20 पता करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये 15600 बनेगा। तो पहला जो पॉइंट है आपसे देय धन पूछा जा रहा है, देय धन हमारा हो चुका है 15600। अब क्वेश्चन में दूसरी बात आपसे जो पूछा जा रहा है वो रेट पूछा जा रहा है। अब रेट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर तत्काल धन लेंगे तो मिति काटे को लेंगे, ठीक है। अगर आपको देय धन लेना है तो देय धन देखिए महाजनी बट्टे पर लिया जाता है, तो महाजनी बट्टा क्वेश्चन में 15600 रुपए आपका 15600 रुपए है। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए महाजनी बट्टा दिया हुआ है 1300, तो 1300 जो ब्याज है वो 15600 पे है, तो 1300 रुपए जो ब्याज मिला है वो 15600 पे मिला है। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 13 से ये 100 बार जाएगा, 13 से ये 12 बार जाएगा, तो 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। अब ये जो रेट हमारा बना है 25/3%, अब ये वाला जो रेट बना है वो बना है हमारा 8 महीने का, जबकि रेट हमें देना होता है साल का। अब ये वाला रेट आपका 8 महीने का है, तो 8 महीने का रेट हमारे पास आ चुका है। अगर 1 महीने का पता करना है तो अपॉन में आ जाएगा, 1 महीने का जो रेट बनेगा 25 × 8 = 24, और हमें रेट निकालना है पूरे 12 महीने का, 12 से ये 2 बार जाएगा 12.5%। तो इस क्वेश्चन का जो रेट आएगा 15600 और 12.5%। वापस दोबारा देखें, सबसे पहले हमें देय धन निकालना है, ऊपर गुना करेंगे नीचे माइनस करेंगे, देय धन हमारा 15600 रुपए आ चुका है। दूसरा जो पॉइंट है हमसे रेट पूछा जा रहा। अब देखिए रेट आपका दो तरीके से निकल सकता है, अगर आप मिति काटा लेंगे तो आपको मिति काटा अगर आप लेते हैं तो आपको तत्काल धन लेना है, अगर आपको महाजनी बट्टा, महाजनी जो बट्टा होता है 1300 रुपए, तो महाजनी बट्टा जैसा कि हम सभी को पता है देय धन पर निकाला जाता है, तो 1300 रुपए ब्याज है 15600 पे गुना 100, तो ये जो रेट आएगा वो कितने महीने का रेट है, 8 महीने का। हमें पता करना है पूरे 1 साल का, तो पहले 1 महीने का पता करो, ये अपॉन में आ जाएगा, 25/24% बनेगा, और आपको अगर पूरे 12 महीने का रेट चाहिए तो 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 8 महीने बाद दे मिति काटा 216 रुपए है, इतने ही धन का 2.5 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है वो 855 आ रहा है। अब हमें सवाल में आपने देखा एक 8 महीने का दिया हुआ है, एक 2.5 साल का दिया हुआ है, या तो दोनों को 2.5 साल पर लेके आए या दोनों को 8 महीने पर लेके आए। चलो हम 8 महीने पर लेके आते हैं, अगर 2.5 महीने का आपका 855 है, 855 ब्याज मिल रहा है 5/2 वर्ष का, अगर हमको 1 वर्ष का पता करना है 171 डबल करेंगे, 1 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 2 × 17 × 34, तो 1 साल का जो ब्याज, 1 साल का आपका बनेगा 342 रुपए, और हमें लाना है ये 8 महीने पे, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने का 342 रुपए है तो 1 महीने का बनेगा 342/12, और चाहिए आपको 8 महीने का, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 × 3 = 114, तो ये बनेगा 228 रुपए।
अब ये जो 228 रुपए बना है वो बना है आपका साधारण ब्याज, अर्थात यहाँ पे महाजनी भट्टा भी दिया जा सकता है। तो साधारण ब्याज आपका दिया है 8 महीने का 288 रुपए, पहला पॉइंट। 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो हमारा बना है 228 रुपए। एक बार वापस दोबारा देखें, ये 5/2 वर्ष का ब्याज है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कराओ, एक साल का 342। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, आप इसको 12 से डिवाइड कराएं एक महीने का, और आपका जो क्वेश्चन है वो 8 महीने पर है, तो 8 की मल्टीप्लाई करें 228 रुपए। या तो दोनों को ढाई साल पर लेके आए या दोनों को आप 8 महीने पर लेके आए। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 महीने का जो मिति काटा है वो 216 रुपए है, और साधारण ब्याज जो दिया हुआ है 8 महीने का वो है 228 रुपए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देय धन और ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है, देय धन और ब्याज की दर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर हम देय धन निकालना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है, साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन नीचे अंतर करेंगे 12, 4 से 3 बार, 4 5 20, 4 7 28, 3 से डिवाइड करेंगे 72 बार, तो 57 की गुना 72 से करेंगे 114, 7 7 49, 35 4 39, ये 4 आएगा, 10 आएगा, 1 और 4, इसका मतलब इस क्वेश्चन का देय धन आपका 4104 रुपए बनेगा। वापस दोबारा देखें, जब भी आपको समय अलग अलग दिया हो दोनों को, या तो आपको 8 महीने में चेंज कर लेना या दोनों को ढाई वर्ष में, मैंने दोनों को 8 महीने में बदल दिया है। अब ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ढाई साल का ब्याज है, तो पहले इसको एक साल में लाएं फिर 8 महीने में आपको निकालना है, तो 8 महीने का निकाल लिया। जब सेम आपके पास महाजनी बट्टा या साधारण ब्याज होता है और आपके पास मिति काटा होता है, मैंने आपको सिखाया था देय धन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऊपर गुना करेंगे आप और नीचे आप माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन में 4104 रुपए तो आपका बन गया देय धन। सेकेंड आपको चाहिए परसेंटेज। अब परसेंटेज देखिए, परसेंटेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साधारण जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज निकाला जाता है आपका देय धन पर, तो साधारण ब्याज चलो 8 महीने का ले लेते हैं, 8 महीने का जो ब्याज है वो 228 है, 8 महीने का 228 है, परंतु रेट आपको एक साल का लेना है तो आप डायरेक्ट इसको एक साल का ले लें 342 रुपए, क्योंकि बाद में भी आपको एक साल में बदलना है, तो 342 रुपए ब्याज मिला है, 342 रुपए ब्याज है, चलो इधर कर लेते हैं, यहां देखें बीच में कर लेते हैं, 342 रुपए ब्याज मिला है और ये ब्याज मिला है आपका 4104 पे, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, इसको कैंसिल करेंगे आप तो ये आपका निकलेगा 2 से डिवाइड कर लो 171 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 0, 2 5 10, 2 2 14, अब इसको फिर डिवाइड करेंगे आप 7 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 3 6 18, 18 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 4 12, तो 57 से अगर आप देखेंगे इसको तो ये 7 7 49, 9 7 63, 7 6 28, ये कैंसिल नहीं हो रहा, 19 से कैंसिल करें, 19 से 3 बार, 19 19 57 और 57 बचेगा 6, 19 6 114, 36, 3 से डिवाइड कराएंगे 12 बार, तो ये बचा आपका 100/12, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो 8 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 1104 और 8 सही 1/3%। मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा अगेन एक बार और। देखिए साधारण ब्याज जो निकाला जाता है वो देय धन पर निकाला जाता है और हमें ब्याज देना होता है एक साल का, तो आप डायरेक्ट एक साल का साधारण ब्याज ले लें, एक साल का साधारण ब्याज आपका बना 342। अब 342 रुपए ब्याज मिला 1104 पे, और ठीक है परसेंटेज के लिए टोटल आप 100 की गुना करेंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे संख्याएं आप कैंसिल करें, 8 से 1/3%। 2 वर्ष बाद देय किसी धन पर महाजनी बट्टा मिति काटे का 6/5 है, महाजनी बट्टा मिति काटा और महाजनी बट्टा,
तो महाजनी बट्टा जो है वो मिति काटे का 6/5, अगर मिति काटा 5 है तो महाजनी बट्टा आएगा 6। बोला जा रहा है ब्याज की दर कितनी है, अगर आपसे रेट पूछा जा रहा है, मैंने आपको बताया था इन दोनों का अंतर, अगर आप इन दोनों का अंतर करते हैं महाजनी बट्टा और मिति काटे का अगर आप अंतर करते हैं तो ये मिति काटे पर निकाला गया ब्याज होता है, तो आपका जो अंतर है वो 1 रुपए का आ रहा है और ये ब्याज आपको निकाला जाता है मिति काटे पर, क्योंकि ये जो अंतर आपका बनेगा वो मिति काटे का ही ब्याज होता है, 1 का अंतर है 5 से, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो आंसर आएगा आपका 20%। आप पहले मेरी ट्रू डिस्काउंट की वीडियो देखें, ट्रू डिस्काउंट में मैंने आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करा दिए, क्योंकि दोनों का अंतर सेम, इसमें भी आपका यहाँ महाजनी बट्टा है तो जो भी दोनों का अंतर होगा वो मिति काटे का ही ब्याज बनता है, तो 1 रुपए ब्याज है 5 से गुना 100। अब ये जो रेट आपका 20% बना, क्योंकि ब्याज आपको देना होता है 1 साल का, जबकि क्वेश्चन में है 2 साल, तो ये 2 साल का अगर 20% है तो 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो 10% बनेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 साल का ब्याज हमारा निकालना है, तो ये आपको करना है 20/2, 20/2 को आप डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 10%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक निश्चित समय के बाद दे किसी बिल का वर्तमान मूल्य आपको दिया हुआ है 1100, इस बिल पर मिति काटा आपको 110 दिया हुआ है, महाजनी बट्टा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बिल का वर्तमान मूल्य हमारे पास है 1100 और इस बिल पर मिति काटा आपको दिया गया है और महाजनी बट्टा आपसे पूछा जा रहा है। महाजनी बट्टा जो निकाला जाता है वो याद रखें बार बार, आप एक ही पॉइंट में बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, देय धन पर निकाला जाता है। सबसे पहले देय धन आप पता करेंगे, देखिए कैसे, बिल का वर्तमान मूल्य 1100 रुपए है, इसका जो ब्याज दिया है मिति काटे का, मिति काटा आपको दिया गया है 110, अगर वर्तमान में 100 रुपए और उस आदमी को 110 रुपए ब्याज देना पड़ जाए तो उसका जो देय धन बनेगा वो बनेगा 1210 रुपए। तो पहली बात, महाजनी बट्टा 1210 पे निकालना है, परंतु उसके लिए आपको रेट पता होना चाहिए। अब देखिए रेट कैसे पता करेंगे, आपको 110 रुपए का ब्याज मिला है, 110 रुपए का ब्याज मिला है क्योंकि मिति काटा वर्तमान पे होता है 1100 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, तो पहला जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो रेट बनेगा वो 10% है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आप रेट पता करें, क्योंकि मिति काटा जो निकाला जाता है वो तत्काल धन पे निकाला जाता है, वर्तमान मूल्य पर निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है महाजनी बट्टा बताएं। अब महाजनी जो बट्टा होता है वो देय धन पर निकाला जाता है, देय धन हमारे पास है 1210 और 1210 का अगर आप 10% निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 121 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा अर्थ निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ समय बाद दे किसी धन का वर्तमान मूल्य 1600 रुपए है और इस पर मिति काटा 120 रुपए है, पूछा जा रहा है महाजनी लाभ बताइए, हमसे पूछा जा रहा है महाजनी लाभ बताइए। चलो ठीक है, इसको करते हैं महाजनी लाभ। कुछ समय बाद दे किसी धन का वर्तमान मूल्य आपको दिया गया और मिति काटा आपको दिया गया है। पहली बात, इस क्वेश्चन में हम देय धन निकाल सकते हैं, तो पहले तो देय धन निकालना है। वर्तमान मूल्य हमें दिया गया है 1600 रुपए, इस पर मिति काटा दिया गया है 120 रुपए, तो इस क्वेश्चन का अगर आपको देय धन बनाना है तो देय धन होता है आपका मिति काटा और ये 1720। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पता करनी है कि इसमें परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज देखिए, 100 मिति काटे 120 रुपए ब्याज है और मिति काटा किस पे होता है, वर्तमान पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 से 2, 4 से 4 और 4 से 30 बार, 2 से 15, 2 से 2 बार, तो इस क्वेश्चन का जो रेट आ रहा है वो 7.5% है। अगर हमसे एग्जाम में या बुक में कोई भी क्वेश्चन मिलता है और आपसे रेट पूछा जाए तो मिति काटा वर्तमान मूल्य पे होता है और महाजनी बट्टा देय धन पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 7.5%। अब पूछा जा रहा है, पहले चलो देय धन पे निकाल लेते हैं, देय धन महाजनी बट्टा निकालेंगे, 7.5% निकालेंगे 1720 का, 7 × 14 = 15/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, भाई 1720 का 7.5% निकालें, 1720 का अगर आप 7.5% निकालते हैं, 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार,
दो दुनी चार से डिवाइड कराएंगे 43 बार, ये आएगा 129 रुपए। तो हमारा जो महाजनी बट्टा आ रहा है वो 129 आ रहा है और मिति काटा 120 आ रहा है। मैंने बोला था महाजनी लाभ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला महाजनी लाभ, महाजनी लाभ अगर आपको निकालना है तो महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा, माइनस मिति काटा हमको करना है। महाजनी जो लाभ 129 है और मिति काटा क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, 2 साल बाद दे किसी धन का 10% वार्षिक दर से महाजनी लाभ। अब महाजनी लाभ जो होता है वो होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा। महाजनी लाभ बराबर आपका होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा। चलो करते हैं, चलो हम मान लेते हैं तत्काल धन 100 रुपए, 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का आपका मिति काटा बनेगा 20 रुपए। ब्याज मिति काटा अर्थात ब्याज बनता है 20 रुपए, 1 साल का 10, 2 साल का 20, 100 रुपए का 20% 20 बनेगा। इस क्वेश्चन में देय धन, अगर हमें देय धन चाहिए तो वो बनेगा 120 रुपए, क्योंकि महाजनी लाभ के लिए आपको मिति काटे की जरूरत है और आपको महाजनी बट्टा चाहिए, तो दोनों बट्टे आपको निकालने हैं। मिति काटा हमारे पास है, अब देखिए देय धन अगर 120 है और आपका रेट है 20%, 2 साल का रेट 20% बनेगा तो 12 दोनी 24, तो इस क्वेश्चन में महाजनी बट्टा आएगा 24 रुपए, महाजनी बट्टा आएगा 24 रुपए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है महाजनी लाभ, अब महाजनी लाभ जो होता है वो होता है महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 की वैल्यू 160 है, 4 हिस्से अगर आपके 160 रुपए के बराबर हैं तो एक हिस्सा बनेगा 40 के बराबर, 40 एक हिस्सा आपका बनेगा 40 के बराबर। दोबारा देखें, 4 हिस्से अगर 160 रुपए के बराबर हैं तो एक हिस्सा बनेगा 40 के बराबर, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देय धन कितना है, तो देय धन अगर आपको निकालना है तो देय धन आपका 120 वैल्यू और एक वैल्यू 40 की है, तो 120 की गुना अगर आप 40 में करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4800 रुपए। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 8 महीने बाद दे किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से महाजनी बट्टा 210 रुपए है, तो मिति काटा आपसे पूछा जा रहा है। महाजनी बट्टा देके और मिति काटा पूछा जा सकता है, या महाजनी लाभ अगर पूछा जाए तो महाजनी लाभ अगर आपको निकालना है तो महाजनी बट्टा माइनस मिति काटा करना है। करते हैं, अगर 1 साल का रेट आपका 7.5% और क्वेश्चन में महीने है 8, तो पहली बात ये जो रेट आपका आ रहा है वो 15/2 है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और ये रेट आपका 12 महीने का, पहले 1 महीने का रेट पता करेंगे 15/2 × 100 और ये 12 नीचे आएगा 1 महीने का, और हमारा क्वेश्चन है अगर 8 महीने का है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 20 बार होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल कर आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/20, 1/20। इसका अर्थ ये हुआ अगर आपको 1/20 ब्याज, अगर हम 20 रुपए लेते हैं, तत्काल 20 है, 1 रुपए ब्याज देना है, तो लिखेंगे तत्काल अगर 20 रुपए है तो मिति काटा 1 है, अगर मिति काटा 1 है तो देय धन जो आपका बनेगा वो 21 रुपए बनेगा। वापस दोबारा देखें, ये जो रेट आपके सामने 15/2 है वो 8 महीने का रेट है, तो सबसे पहली बात ये जो रेट है आपका वो पूरे 1 साल का है, क्योंकि यहां वार्षिक है, 1 महीने का रेट पता करना है अपॉन में ले आए और जितने मंथ है उससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो ब्याज आ रहा है वो 1/20। 1/20 को पढ़ने का तरीका है, अगर हम 20 रुपए लेके आएंगे तो 1 रुपए मिति काटा, देय राशि बनेगी 210। अब क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया गया है महाजनी बट्टा, अब महाजनी जो बट्टा होता है वो देय राशि पर निकाला जाता है, तो महाजनी बट्टा जब देय राशि पर निकाला जाता है और देय राशि हमारे पास 21 है, अगर आप 21 रुपए का 1/20 करते हैं
21 का 1/20, क्योंकि ये 5% है, 100 की गुना करेंगे तो 5% बनेगा 1/20, तो हमारा जो बनता है वो 21/20 बनता है, और 21/20 की वैल्यू बनती है 210। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की वैल्यू बनेगी 200 के बराबर। अगर एक क्वेश्चन 200 के बराबर है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिति काटा बताएं, तो मिति काटे में देखिए एक हिस्सा हमारे पास, और हमको एक ही हिस्सा पता करना था जो कि आ चुका है 200 रुपए। तो आज मैंने आपके सामने टॉपिक नंबर 30 को कवर किया है, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 30 था महाजनी बट्टा। ये आपका पूर्णतः जो टॉपिक है वो मिति काटे पर आधारित है। तो वीडियो को अच्छे तरीके से करें, आप सरल अंकगणित के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।